वेलकम गाइस, मॉडर्न इंग्लिश पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। इसके पिछले पार्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे अ फीस्ट फॉर द आइज, मतलब बहुत सुंदर या अत्यंत सुंदर के लिए अ फीस्ट फॉर द आइज का यूज करते हैं, और साथ ही साथ जानेंगे वो उसकी मदद के लिए दौड़ता हुआ आया। तो ये दौड़ता हुआ का सेल्फ सेंटेंस में किस प्रकार से आएगा ये आप लोग जानेंगे। देखिए, शराब पीने से वह पूरी तरह से बेशुद्ध हो गई। तो ये बेशुद्ध पूरी तरह से, ये आप लोग किस प्रकार से बनाएंगे ये सेंटेंस, ये भी आप लोग जानेंगे। इन अ फ्लैप, जिसका मतलब होता है उदास होकर भड़कना या नाखुश होकर भड़कना, कह सकते हैं गुस्सा करना, इसका सेंटेंस में किस प्रकार से यूज करेंगे ये भी आप लोग जानेंगे। आई हैव गॉट टू रन या गो, जाना है या जाने की जरूरत है, इसका यूज जानेंगे। और साथ ही साथ आप जानेंगे फोन पर बात करते करते सब्जियां खरीद रहा था, वह फोन पर बात करते करते सब्जियां खरीद रहा था, मतलब कि वो दो काम कर रहा था, एक तो फोन पर बात कर रहा था और दूसरा सब्जियां खरीद रहा था। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस कैसे बनते हैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे हैं डेली इंग्लिश फॉर ऑल। उसका गांव अत्यंत सुंदर है। हिज विलेज इज अ फीस्ट फॉर द आइज, मतलब उसका गांव अत्यंत सुंदर है। इसी प्रकार से ये बगीचा बहुत सुंदर है या अत्यंत सुंदर है या बहुत खूबसूरत है, कह सकते हैं दिस गार्डन इज अ फीस्ट फॉर द आइज। नेक्स्ट, उसने दौड़कर बॉल पकड़ ली, तो दौड़ा भी और बॉल भी पकड़ी, देखिए किस प्रकार से बनेगा। ही रेन, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ही रेन, वो दौड़ा एंड काट द बॉल, और बॉल पकड़ ली, तो इसका मतलब हो गया ही रेन एंड काट द बॉल, उसने दौड़कर बॉल पकड़ ली, दो क्रियाएं की इस प्रकार से बना सकते हैं आप लोग। देखिए, बात करते समय वह हंसने लगता है, यहाँ पर भी दो काम हो रहे हैं, एक तो बात कर रहा है और दूसरा हंसने लगता है। बात करते समय वह हंसने लगता है, इस सेंटेंस को बनाएंगे ही स्टार्ट्स लाफिंग व्हाइल टॉकिंग। तो यहाँ पर ध्यान देना, ये सब्जेक्ट के बाद स्टार्ट्स लगाया, ठीक है, ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए स्टार्ट में एस लगा दिया हमें, स्टार्ट्स, उसके बाद हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, लाफिंग मतलब हंसना, ठीक है। व्हाइल फिर लगाया हमने क्योंकि बात करते समय, ठीक है, उसी वक्त व्हाइल का यूज करते हैं, उसके बाद आईएनजी फॉर्म फिर से टॉकिंग, तो ये ही स्टार्ट्स, वो उसने शुरू किया क्या, लाफिंग हंसना, मतलब वो हंसने लगा। व्हाइल टॉकिंग मतलब बात करते समय, व्हाइल टॉकिंग बात करते समय, तो इतना आप लोग को क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, आप इस प्रकार से बना सकते हैं व्हाइल टॉकिंग मतलब बात करते समय ही स्टार्ट्स लाफिंग, वो हंसने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट, वो जब भी आता है सिर्फ खाने की बात करता है, या हम कह सकते हैं वो जब भी आता है उसे खाने की पड़ी रहती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट है, वो जब भी आता है सिर्फ खाने की बात करता रहता है, एक ही बात है दोनों। व्हेनेवर ही कम्स मतलब वो जब भी आता है, ही ओनली टॉक्स अबाउट फूड, वो सिर्फ खाने की बात करता रहता है, ठीक है, ही ओनली टॉक्स अबाउट फूड। वो जब भी आता है सिर्फ खाने की बात करता जाता है, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा, व्हेनेवर ही कम्स ही जस्ट गोज ऑन टॉकिंग अबाउट फूड। इन ये वाला सेंटेंस जो है, ये वाला सेंटेंस जो है और ये वाला सेंटेंस जो है, इन तीनों का अर्थ एक ही है, ठीक है, सिर्फ खाने की बात करता जाता है, तो आपने बना दिया ही जस्ट गोज ऑन टॉकिंग अबाउट फूड, ठीक है। ये गो ऑन हो जाता अगर यहाँ पर यू आई वी यू दे होता, तो आई गो ऑन टॉकिंग अबाउट फूड मतलब कि मैं खाने की बात करता जाता हूँ, ठीक है। गो ऑन, ये हमने यहाँ पर गोज क्यों किया, ई एस इसलिए लगाया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, या वो पूरे दिन पढ़ता है, देखिए वो पूरे दिन पढ़ता रहता है, देखिए इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी, ही स्टडीज द ऑल डे, वो पूरे दिन पढ़ता है, या फिर ही कीप्स ऑन स्टडीज द ऑल डे, वो पूरे दिन पढ़ता रहता है, ठीक है। तो पूरे दिन पढ़ता रहता है के लिए हमने कीप्स ऑन या गो ऑन या कैरी ऑन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही गोज ऑन स्टडीज द ऑल डे, ही कैरीज ऑन स्टडीज द ऑल डे। तो आप लोग कीप ऑन का यूज करें, गोज ऑन का यूज करें या कैरीज ऑन का यूज करें। अगर यहां पर आई वी यू दे है तो कीप ऑन एस नहीं लगाएंगे, कीप ऑन उसके बाद आई एच जी फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद अदर वर्ड जो भी है,
और यहाँ पर जैसे यू है, आई है, दे है, ये सिंपल प्रेजेंट का है, इसलिए हम एस या ई एस लगा रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले, ठीक है, इतना याद रखना। नेक्स्ट, इन अ फ्लैप, इन अ फ्लैप का मतलब होता है किसी चीज पर भड़कना, किसी चीज पर गुस्सा करना, उदास होकर या ना खुश होकर, कृपया भड़के ना या गुस्सा ना हो, इसे हम इंग्लिश में बनाएंगे प्लीज डोंट गेट इन अ फ्लैप, मतलब कृपया भड़के ना। काम के लिए देर से आने पर बॉस पप्पू पर भड़क गया, द बॉस गॉट इन द फ्लैप एट पप्पू फॉर बीइंग लेट फॉर वर्क, ठीक है, द बॉस गॉट इन द फ्लैप एट पप्पू, बॉस पप्पू पर भड़क गया फॉर बीइंग लेट, लेट होने पर या देर होने पर, फॉर वर्क काम के लिए, काम के लिए देर होने पर बॉस पप्पू पर भड़क गया। नेक्स्ट, जरा सी बात पर वह भड़क गया, He got in a flap over the slightest thing. जरा सी बात पर, He got in a flap, वो भड़क गया over slightest thing, मतलब जरा सी बात पर। अगर आपको कहना हो जरा सी बात पर वो भड़क जाता है तो यह got की जगह gets कर देंगे, He gets, ठीक है, और ये सिंपल प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, इसलिए हम ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगाते हैं, आप लोगों को पता है, तो गेट का गेट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ही गेट्स इन अ फ्लैप ओवर द स्लाइटेस्ट थिंग, जरा सी बात पर वो भड़क जाता है, और ये सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए गेट का गॉट हो गया, ही गॉट इन अ फ्लैप ओवर द स्लाइटेस्ट थिंग, ठीक है। आप लोगों को टेंसेस की जानकारी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाकर देख सकते हैं टेंस की वीडियो, जो कि आप लोग क्लियर हो जाए टेंसेस और सेंटेंसेस बनाना। इन अ फ्लैप, ये हो चुका है। अब देखिए, आई हैव गॉट टू रन या गो, आई हैव गॉट टू रन या गो, तो गॉट अगर ना भी लगाए, आई हैव टू रन या गो भी करे तो भी उसका मतलब होता है जाना या जाने की जरूरत है, ठीक है। ओ यू आर लेट, यू हैव गॉट टू गो, मतलब कि आप लेट हो गए हैं, यू हैव गॉट टू गो, आपको जाना है या जाना होगा, इस सेंस में यूज कर रहे हैं ना। नेक्स्ट, वी हैव गॉट टू गो दिस वे, हमें इस रास्ते जाना है या जाने की जरूरत है। अगर हम कहें वी हैव टू गो दिस वे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वी हैव टू गो दिस वे, हमें इस रास्ते जाना है या जाने की जरूरत है। अगर गॉट ना भी लगाए, हैव के बाद गॉट ना भी लगाए तो भी सेंटेंस एकदम करेक्ट है। गॉट लगाने से थोड़ा मॉडिफाई होता है, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता सेंटेंस में। नेक्स्ट, यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है, या फिर आप कहें आपको इंग्लिश सीखनी है, या आपको यू हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी होगी, फ्यूचर में नहीं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। वो फोन पर बात करते करते सब्जियां खरीद रहा था, तो यहां पर दो काम हो रहे हैं, देखिए, ही वॉज बाइंग वेजिटेबल्स, मतलब वो सब्जियां खरीद रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। व्हाइल टॉकिंग ऑन द फोन, फोन पर बात करते करते, व्हाइल टॉकिंग बात करते करते, ऑन द फोन, फोन पर, तो इतना आप लोगों को क्लियर है। नेक्स्ट, वो बहस करते करते मारपीट करने लगे, ठीक है, इसमें भी दो वर्ब है, दे स्टार्टेड फाइटिंग, दे स्टार्टेड फाइटिंग, हमेशा स्टार्ट के बाद आई एन जी फॉर्म आएगी वर्ब की, ठीक है, तो दे स्टार्टेड फाइटिंग, वो मारपीट करने लगे, वाइल आर्ग्यूइंग, बहस करते करते, तो उम्मीद है इतना आप लोगों को क्लियर है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी और इस वीडियो से आप लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा होगा, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक करें अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।